बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो डेटा माइनिंग के वीडियो लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है डेटा माइनिंग टेक्निक्स। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन सी टेक्निक्स है जिन्हें इम्प्लॉय करते हुए डेटा माइनिंग जो है वो हमें डिफरेंट सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करती है, जिस तरह से हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जिस तरह से हमारे पास पैटर्न्स आ जाते हैं जिनकी मदद से हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस जो है वो निकाल सकते हैं, जिस तरह से हम रिजल्ट्स जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। फ्यूचर प्रेडिक्शन जो है वो एक बहुत ही अहम जो करेक्टरिस्टिक है डाटा माइनिंग की, किस तरह से की जाती है। ये बेसिकली डाटा का एनालिसिस किया जाता है, एनालिसिस करने के बाद हमें जो है वो प्रेडिक्शन मिलती है। तो डाटा माइनिंग जो है ये किसके अराउंड जो है ये घूमती है, डाटा माइनिंग जो है इसका महवर बेसिकली क्या है, डाटा का एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद किसका एनालिसिस करना, बिग डाटा का, जो हमारे पास बहुत ज्यादा आर्काइव में डाटा हमारे पास होता है पड़ा हुआ, जिसे हम बिग डाटा, जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में बिग डाटा की बात की, तो इस तरह के डाटा को हम उठाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शंस निकालते हैं। तो चलिए आइए आज हम देखते हैं सबसे पहले कि डाटा माइनिंग जो है वो किस तरह से काम करती है और वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो इम्प्लॉय करते हुए हम ये तमाम के तमाम जो है वो काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डाटा माइनिंग इम्प्लॉयज एनालिसिस ऑफ लार्ज डाटा। जिस तरह से मैंने अभी बात की है कि हमने एनालिसिस करना है डाटा का टू फाइंड प्रीवियसली अननोन पैटर्न्स, तो डेफिनेटली हमने बात की है कि भाई हम पैटर्न्स जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, इससे ही हम जो है वो प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स अमंग डेटा, सो इट कैन बी सेड एज एनालिसिस। एनालिसिस जो है वो किससे क्या ड्राइव करती है, वो प्रेडिक्शन हमें देती है। किस तरह से प्रेडिक्शन देती है, बाय यूजिंग मशीन लर्निंग। जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि भाई जो डेटा माइनिंग है ये इटसेल्फ कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। इन तमाम जो सब्जेक्ट्स के इंटरसेक्शन से जो हमारे पास जो चीज हासिल होती है वो क्या है, वो डाटा माइनिंग टेक्निक्स है। तो डाटा माइनिंग टेक्निक्स जो है जितनी भी हैं वो इन तमाम सब्जेक्ट से जो है वो समझ लें कि लोन ली गई है। जिस तरह से कंप्यूटर साइंस की हम बात करते हैं कि कंप्यूटर साइंस जो है ये इटसेल्फ कोई सब्जेक्ट नहीं था, ये बेसिकली इसके फोर फादर्स जो है वो कौन है, वो मैथमेटिशियंस हैं। या फिर हम हार्डवेयर की अगर बात करें, अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो मैथमेटिशियंस हैं, और अगर हार्डवेयर की बात करें तो इसके फोर फादर्स कौन से हैं, वो फिजिसिस्ट हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करते हैं। तो इसी तरह से जो डाटा माइनिंग है, डाटा माइनिंग के साइंटिस्ट होते हैं वो इटसेल्फ जो है वो किन चीजों को स्टडी करके आए हुए होते हैं, वो मशीन लर्निंग को, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग इसमें ज्यादा चीजें जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड है, जिस तरह से यहाँ पे मशीन लर्निंग की बात करें या डीप लर्निंग की बात करें। खैर ये डीबीएमएस और स्टैटिस्टिक्स इसका मशीन लर्निंग तो नहीं, सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन ये दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करते हैं, खासकर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हमें एल्गोरिदम्स देता है, मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स है जो कि हम इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है वो अचीव करते हैं, जिसमें हमारे पास जिन्हें हम कुछ मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स के तौर पे क्लासिफाई करते हैं और कुछ को हम डीप लर्निंग के जो है वो एल्गोरिदम के साथ क्लासिफाई करते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके अलावा डिसीजन ट्री ये हमारे पास एल्गोरिदम है जो किसके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यही वो सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें जो है वो इस्तेमाल करते हुए हम डाटा माइनिंग को जो है वो अचीव करते हैं। तो डाटा माइनिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, जो हमने अभी तक बात की है कि ये काम जो है डाटा माइनिंग के जरिए से हम कर सकते हैं, यानी कि रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, हम पैटर्न्स ले सकते हैं, जो भी यूजफुल काम जो डाटा माइनिंग से रिलेटेड है वो करते हैं, वो किस तरह से किया जाता है, वो डिफरेंट टेक्निक्स है हमारे पास। कौन कौन सी टेक्निक्स है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन है, फिर क्लस्टरिंग है, फिर रिग्रेशन है, और उसके अलावा आउटर है, इसके अलावा सिक्वेंशियल पैटर्न है, हमारे पास प्रेडिक्शन है, या फिर एसोसिएशन रूल है। इसमें ये तीन जो हमारे पास टेक्निक्स हैं, जिसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन है, क्लस्टरिंग है और रिग्रेशन है, इन्हें हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे और बाकियों को भी हम गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं वो हमारे पास तीन है, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग और रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन जो है वो स्टूडेंट्स बेसिकली अगर हमारे पास एक डेटा सेट हो, कोई भी किसी भी किस्म का हमारे पास डेटा सेट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका थोड़ा सा ग्राफिकल व्यू पॉइंट भी आपको बना के दिखा देता हूं। जिस तरह से हम स्टोर्स की बात अगर करें, स्टोर्स में हम देखते हैं कि भी अगर हम क्लासिफाई करना चाहते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा सेल हो रही हैं और कौन सी चीजें जो है वो कम सेल हो रही हैं, या फिर हम अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में इस चीज को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है कि भाई वो कौन से लोग हैं जो कि लोन जो है वो टाइमली जो है वो वापस कर देते हैं और कौन से लोग जो हैं डिफॉल्टर्स होते हैं जो लोन को टाइमली वापस नहीं करते। तो ये बेसिकली किस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम ये चीज को जो है वो गेट कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से क्लासिफिकेशन होती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे कोई दो चीजें हो, जिस तरह से हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये स्टार्स हैं,
कुछ स्टार्स हैं, इसमें हमारे पास बॉल्स भी हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने एक डेटा सेट लिया, इसमें कुछ बॉल्स हैं कुछ स्टार्स हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो हमारी टेक्निक है वो क्या करेगी, वो स्टार्स को एक साइड पे कर देगी और बॉल्स को एक साइड पे कर देगी। यानी कि इसने किस तरह से काम करना है, इस तरह से अब ये काम करेगी कि ये दरमियान में एक लाइन लगा लेगी इनके दरमियान में, और ये वाले जो बॉल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला बॉल है ये भी इस साइड पे ले आएगी, ये वाला बॉल है ये भी इस साइड पे ले आएगी, और इन दोनों बॉल्स को इस साइड से खत्म कर देगी। अब ये वाला स्टार है इसे इस साइड पे ले आएगी, ये वाला स्टार इसे भी इस साइड पे, ये वाला स्टार है इसे भी इस साइड पे ले आएगी। अब ये काम करने से इसने क्लासीफाई कर दिया है। ये बेसिकली किसकी एग्जाम्पल है, क्लासिफिकेशन की एग्जाम्पल है, कि इसने खुद ब खुद क्या काम किया है, इसने दो डिफरेंट चीजों को दो साइड्स पे डिवाइड कर दिया, डिवीजन कर दिया। बेसिकली मिलती जुलती चीजें जो हैं वो एक साइड पे कर दी हैं और दूसरी जो मिलती जुलती थी वो दूसरी साइड पे कर दी हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और बेसिकली ये अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात करें तो ये सुपरवाइज लर्निंग की एग्जाम्पल है। यानी ये लेबल्ड डाटा होता है, इस डाटा के मुतालिक हमें पहले से पता होता है और इसकी आउटपुट भी हमें पहले से पता होती है कि ये वाला फॉर एग्जांपल ये इसके ऊपर बार लिखा हुआ था, इसके ऊपर भी बार लिखा हुआ था, इसके ऊपर स्टार लिखा हुआ था, इसके ऊपर भी स्टार लिखा था, ये लेबल्स हैं इसके। तो क्लासिफिकेशन के जो एल्गोरिथम्स होते हैं, जिस तरह से हमारे पास डिसीजन ट्री है, SVM है, स्पोर्ट वेक्टर मशीन, या फिर हमारे पास बेसिन क्लासिफायर है, ये हमारे जो एल्गोरिथम्स हैं जो किसके अंदर आते हैं, ये क्लासिफिकेशन के अंदर ये वाले एल्गोरिथम्स हैं, यही इंप्लॉय किए जाते हैं इसके ऊपर। और ये क्या काम करते हैं, ये क्लासिफाई कर देते हैं चीजों को, यानी कि जो मिलती जुलती चीजें थी, यानी कि जो जिनके ऊपर लिखा हुआ था स्टार उसने एक साइड पे कर दिया, जिनके ऊपर लिखा हुआ था बॉल्स इसने उसे दूसरी साइड पे कर दिया। इसकी आउटपुट भी हमें पता होती है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसके मुकाबले में अगर हम क्लस्टरिंग की बात करें, क्लस्टरिंग क्या है, क्लस्टरिंग के ऊपर ये लेबल्स नहीं लिखे हुए थे, जिस तरह से यहाँ पे बॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार लिखा हुआ है, ये लेबल्स नहीं होंगे क्लस्टरिंग के ऊपर। क्लस्टरिंग किस तरह से काम करेगा, मैं इसके भी आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जिस तरह से यहाँ पे ये बॉल है हमारे पास, बीच में स्टार्स हैं, ये वाले इस तरह से स्टार्स हैं, यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे बॉल है, और यहाँ पे भी बॉल है। अब ये अगर हम यहाँ पे क्लस्टरिंग अप्लाई करेंगे, क्लस्टरिंग एक सेकंड टेक्निक है। अगर हम बात करें क्लस्टरिंग की, तो क्लस्टरिंग किस काम के लिए इस्तेमाल होती है, जिस तरह से हमने बात की थी कि स्टोर्स के अंदर अगर आप ये चाहते हैं कि भाई वो वाली चीजें जो एक दूसरे के साथ स्ट्रांग एसोसिएशन रखती हैं, उन्हें जो है वो जो स्टोर का जो ओनर है वो क्या करेगा, वो एक साइड पे जो रैक्स हैं उन पे लगा देगा। जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी कि स्टोर का ओनर जो है वो क्या करेगा, वो देखेगा कि भी मेरी कौन कौन सी जो है वो चीजें जो है वो इकट्ठी सेल हो रही हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल ये दी थी कि अगर फॉर एग्जांपल एक टी परचेज करने के लिए आता है, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि भाई वो साथ में टी के साथ वो मिल्क को भी परचेज करेगा। और अगर कोई मिल्क परचेज करने आता है, टी परचेज करने आता है, मिल्क को परचेज करेगा, तो साथ एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि भी वो साथ एग्स को या ब्रेड को भी परचेज करेगा। तो ये क्या करेगा, ये किसकी मदद से हम जो फाइंड आउट करेंगे कि भाई कौन कौन से जो कमोडिटीज है हमारी, कौन कौन सी वोशिया ऐसी हैं कि जो इकट्ठी सेल होती हैं, इकट्ठी सेल होने से होने का जो हम पता लगाएंगे वो किसकी मदद से लगाएंगे, वो क्लस्टरिंग की मदद से लगाएंगे। इसके हमारे पास एल्गोरिथम्स क्या है, के मींस है, हायरार्किकल जो है वो क्लस्टरिंग होती है। तो यहां पे मैं क्लस्टरिंग की आपको ग्राफिकल इंप्लीमेंटेशन इस तरह से देता हूं। एक तो सबसे पहले कि इसके ऊपर लेबल नहीं होता, ये खुद से काम करती है, ये अनसुपरवाइज्ड होती है, इसे सिखाया नहीं जाता। तो यहां पे क्या करेगा, ये जो हमारा क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम होगा वो ये काम करेगा कि भाई वो बॉल्स को ना एक साइड पे कर देगा। ये बॉल इधर आ गई, ये वाली बॉल इधर आ गई, ये वाली बॉल किधर आ गई, यहां पे आ गई, यहां से ये बॉल्स को खत्म कर देगा इस साइड से। और क्या करेगा, ये वाला स्टार है ना, इस स्टार को यहां पे ले आएगा और इससे ये बॉल तो पहले ही खत्म हो गई थी, और ये वाला स्टार इधर से खत्म कर देगा, इसे वो यहां पे ले आए। अब इसने क्या कर दिया, क्लस्टरिंग कर दी, ये बॉल्स का उसने क्लस्टर बना दिया, ये उसने क्या कर दिया, स्टार्स का क्लस्टर बना दिया। तो ये फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दोनों में डिफरेंस बताता हूं क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग में। क्लासिफिकेशन में ये होगा कि फॉर एग्जांपल ये मैंने स्टार और बॉल की एग्जांपल आपको दी है, अगर यहाँ पे कोई और फॉर एग्जांपल एनिमल्स हो, यहाँ पे कैट्स और डॉग्स हो ना, तो क्लासिफिकेशन क्या करेगा, कैट्स को एक साइड पे कर देगा क्योंकि उसका लेबल में कैट्स लिखा हुआ होगा, डॉग्स को एक साइड पे कर देगा क्योंकि उसके लेबल में क्या लिखा हुआ होगा, डॉग लिखा हुआ होगा। तो यहां पे क्लस्टरिंग में वो क्या करेगा, वो मिलती जुलती चीजों को एक साइड पे कर देगा, जो डिफरेंट उससे होंगी चीजें, जो दूसरी जो कैटेगरी में आएंगी उनको एक साइड पे करके क्लस्टर बना देगा, यानी कि उनके जंक्शन बना देगा। तो इससे ये होगा कि शॉपकीपर का जो ओनर है वो डिसाइड कर सकेगा कि ये वाली चीजें जो है ये इकट्ठी सेल हो रही है, ये वाली चीजें जो है ये इकट्ठी सेल हो रही है, तो वो क्या करेगा, इन चीजों का
सेपरेटली एक रैक बना देगा और इन चीजों को पास पास रख देगा, ताकि अगर कोई कस्टमर जो है वो एक चीज को परचेज करता है तो वो पोटेंशियल है उसमें कि उसके साथ जो दूसरी चीज रखी हुई है जो यहाँ पे उसको भी परचेज करेगा। तो ये वाली टेक्निक हम जो है वो इस्तेमाल करके डेटा माइनिंग के अंदर जो है एफिशिएंसी जो है उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या काम करता है और किस तरह से काम करता है, मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं थोड़ी सी। रिग्रेशन हमें एक बेस्ट पॉसिबल हमें लाइन प्रोवाइड करता है, एक आप ये कहते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट या एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसका सबसे अच्छा जो रिग्रेशन का है कि रिग्रेशन टेक्निक जो है ये एक हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताएगी हर चीज का, कि वो क्या ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कि जिसपे हमें जाना चाहिए। जिस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे कि हमारे पास कुछ चीजें हैं यहाँ पे बिखरी पड़ी हैं, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये स्टार्स हैं हमारे पास, इस तरह से ये स्टार्स चल रहे हैं इस तरह से। तो ये स्टार्स जो है ये रिग्रेशन की जब हम इस पे जो है वो एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे, जिस तरह से लीनियर रिग्रेशन होती है, लैसो रिग्रेशन होती है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन होती है, या मल्टीवेरिएट या और भी कुछ फॉर्म्स हैं रिग्रेशन की, तो इसमें ये बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन के भाई ये हमारे पास डिफरेंट फॉर एग्जांपल ऑप्शंस हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास आ जाती हैं। एक स्टोर का जो ओनर है उसके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं ऑप्ट करने के लिए, उनमें उसमें वो चाहता है कि भाई मैं बेस्ट जो ऑप्शन है, जो बेस्ट पॉसिबल मेरे लिए जो डिसीजन है, मैं वो किस तरह से करूं, तो वो रिग्रेशन की मदद से करेगा। रिग्रेशन हमें बेस्ट पॉसिबल लाइन देगी। फॉर एग्जांपल यहां पे वो देखेगा कि भाई ये इस साइड पे है कि लाइन अगर इस साइड पे वो खींचेगा तो डेफिनेटली ये तो एक साइड पे रह गए हैं, और इनका देखें यहां पे सिर्फ इस लाइन ने इन दो चीजों को कवर किया, ये बहुत सारी चीजें जो है वो उससे दूर हो गई हैं। तो ये रिग्रेशन इस तरह से नहीं करेगी, बल्कि रिग्रेशन देखेगी कि भाई बेस्ट पॉसिबल लाइन कहां से जा सकती है। देखें ये तो साइड पे है, इससे तो लाइन में नहीं लिया जा सकता, ये भी साइड पे है, तो वो यहां से एक लाइन खींचेगी इस तरह से, यानी कि जिसके तमाम ऑप्शन से कम फासला हो। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, रिग्रेशन हो गई, ये स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत अहम और बहुत बेसिक जो है ये एक टॉपिक होता है रिग्रेशन। ये बेसिकली हमें एक बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ लेके जाता है। कोई भी अगर बिजनेस का ओनर है या कोई भी और हमारी प्रॉब्लम है, तो उसमें अगर हम एक बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम रिग्रेशन को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ और टेक्निक्स हैं, जिस तरह से हमारे पास आउटर डिटेक्शन है। आउटर डिटेक्शन क्या काम करेगी कि हमारे पास जो डेटा आइटम्स हैं जो कि हमें बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं दे रहे, जो कि एक रिक्वायर्ड पैटर्न जो हमें चाहिए उसके ऊपर नहीं आ रहे, तो वहां पे हम किसे अप्लाई करेंगे, आउटर डिटेक्शन को अप्लाई करेंगे। ये तमाम के तमाम हमारे पास जो आउटर डिटेक्शन है, सिक्वेंशियल पैटर्न जो है या फिर प्रेडिक्शन और एसोसिएशन रोल, ये बेसिकली किन पे बेस करते हैं, ये क्लासिफिकेशन क्लस्टरिंग और रिग्रेशन पे बेस करते हैं। जिस तरह से सिक्वेंशियल पैटर्न है, हम एक सिक्वेंशियल पैटर्न की तरफ अगर जाना चाहें, फॉर एग्जांपल एक काम का होना या एक काम को होने के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, उसके बाद उसकी पॉसिबिलिटी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो ये बेसिकली सिक्वेंशियल डेटा को जो है वो डील करता है। यानी कि हमें सिक्वेंशियल अगर पैटर्न चाहिए हो तो हम फिर किसको इस्तेमाल करेंगे, सिक्वेंशियल पैटर्न को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हमारे पास प्रेडिक्शन है, डेफिनेटली इनकी मदद से जो क्लासिफिकेशन क्लस्टरिंग और रिग्रेशन की मदद से हम प्रेडिक्शन जो है वो कर सकते हैं। एसोसिएशन रूल जो है ये क्या कहता है, एसोसिएशन रूल ये कहता है कि भाई अगर हमारे पास डाटा बेस में डिफरेंट डाटा बेस है हमारे पास, उसमें कुछ डाटा आइटम्स हैं, तो ये उनके दरमियान जो है ये रिलेशनशिप हमें बताएगा। इसमें बेसिकली इफ देन वाली स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल होती है कि जब हमारे पास कुछ डाटा आइटम और डिफरेंट डाटा बेस में पड़े हैं, तो ये एसोसिएशन रोल इफ देन की मदद से, इफ देन एल्स की मदद से हमें उनके दरमियान रिलेशनशिप बता देगा कि भाई ये जो चीजें पड़ी हुई हैं इनके दरमियान में भी एक रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट टेक्निक्स थी जो आज हमने स्टडी की है डाटा माइनिंग के हवाले से। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अच्छी तरह से इसे अंडरस्टैंड किया होगा, समझा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।